हेलो स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स लेक्चर नंबर 5, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, लास्ट अपन इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देख रहे थे कि किसी भी मेटल सरफेस पे जब लाइट का मतलब फोटोन्स है ना, फोटोन इंसिडेंट होता है कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का, तब जाके अपने पास मेटल सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। अगर उस मेटल सरफेस के अक्रॉस अपन कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और अपने को करंट मिल जाता है, जिसपे मैंने कहा था आपके पास सोलर सेल वगैरह काम करते हैं। बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लाने के दो तीन तरीके होते हैं, जैसे थर्मोनिक एमिशन कहा था, यानी कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस हाई पोटेंशियल अप्लाई कर दें, या किसी भी मेटल के अक्रॉस आप क्या कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाओगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो उसकी वजह से भी आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। तीसरा होता है रेडिएशंस, यानी कि लाइट, और लाइट यहाँ पर अपन क्या मान के चलते हैं, पार्टिकल्स, यानी कि फोटोन मान के चलते हैं। फोटोन लाइट ऑफ एनर्जी, सॉरी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है आपके पास, जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर। और कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का फोटोन होगा, यानी कि हर मेटल के कोरस्पॉन्डिंग एक ना एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अगर उस फ्रिक्वेंसी का फोटोन, यानी कि आपके पास जो मेटल सरफेस है और जो उसका वर्क फंक्शन है ना, वर्क फंक्शन मतलब जो फाइल लिखा था एच इंटू एफ नोट, और एफ नोट क्या थी, वहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी थी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और वो क्वांटिटी मिलके क्या होती है आपके पास एनर्जी, यानी कि जो फोटोन है और वो भी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी का, वो फोटोन जब किसी मेटल पर स्ट्राइक करता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। और कंडीशन क्या थी आपके पास कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक मेटल सरफेस है, यहाँ से कोई फोटोन आया जिसकी एनर्जी एच इंटू एफ, और मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन कितना है, फाइव। तो क्या ज्यूम करते थे कि अगर मान लीजिए फोटोन आया, इसने कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब किया फोटोन को और ये बाहर निकल गया। बाहर निकलने से पहले जो इसकी एनर्जी है, किसकी, इस मेटल की, यानी कि फाइव बोलते वर्क फंक्शन एच एफ नोट, ठीक है, इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ती है, बाकी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और जो एनर्जी बचेगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसी को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, के ई मैक्स, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर, ये अज्यूम करके कि जो आपके पास फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी एनर्जी को लॉस नहीं करता, केवल वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लॉस होती है। ये उसी तरीके से जैसे आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, है ना, जो किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, न्यूक्लियस, मान लीजिए आपके पास यहाँ लेवल्स होते हैं, ठीक है, अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पर या किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्री करना होता है, हर एक की आयनाइजेशन एनर्जी होती है, तो वही एनर्जी यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन बताई गई है कि आपके पास अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से फ्री करना है, आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह कहते हैं उसे, और अपन भी पढ़ेंगे यहाँ पर, आपके पास यहाँ ऐसे मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक भी है, इलेवंथ केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि अगर किसी एक लेवल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के आउटर मोस्ट शेल के, अगर वो इलेक्ट्रॉन भी बाहर आता है तो आपको कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ती है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो एनर्जी, इसको वर्क फंक्शन के टर्म में लिखा गया है, ठीक है ना। तो आपके पास ये इक्वेशन होगी, के ई मैक्स इज इक्वल टू, आपके पास एनर्जी कितनी इंसिडेंट थी, एच इंटू एफ माइनस फाइव, या एच एफ माइनस एच एफ नोट, ठीक है, के ई मैक्स, ये मैक्सिमम एनर्जी, इसको कहते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक। यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आया, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, पर इसका एक्सप्लेनेशन है उसको डिफाइन करना था कि किस तरीके से एक्सप्लेनेशन होते हैं, है ना। और ये जो सारे एक्सप्लेनेशन है ये आपकी क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग डिफाइन है। तो इस इक्वेशन को आता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसमें क्या, देखो ग्राफ और आप बनाते हैं और कुछ चीज़ें और बताई थी आपको, देखो ध्यान से कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से अरेंजमेंट था, और यहाँ पर आपके पास इमिटर प्लेट, कलेक्टर प्लेट, फोटोन्स या रेडिएशंस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, है ना। तो ये आपके पास इस तरीके से वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स लगा दिया, ठीक है, या वोल्टेज सोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन थे इसकी एनर्जी जीरो से लेके किस किस के बीच में आएगी, के मैक्स के बीच में, ठीक। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं अपने को डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के मिलते थे, और कहा था कि जीरो पोटेंशियल पे भी आपको क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। क्यों मिलता है, कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे सरफेस से, तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के इस कलेक्टर एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट में पहुंच जाते, तब भी आपको करंट मिलता है, यानी कि जीरो पोटेंशियल पे भी क्या मिलता है आपको, करंट मिलता है, ठीक। अब जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्यों, कि जो लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी इस प्लेट पर पहुँचने लग गए। अब एक ऐसी कंडीशन आएगी जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो प्लेट से निकल रहे थे इस एमिटर प्लेट से इस वाले प्लेट पर पहुंच गए, तो वहाँ पर करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती, और एक बार ऐसी कंडीशन जब सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुँचने लगे तो आपका करंट क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, और वो मैक्सिमम करंट हो गया, उसे वो कहते हैं अपन सेचुरेशन करंट।
क्या कहते हैं इसको, सेचुरेशन करंट। ठीक, अब मान लीजिए आपको करंट की वैल्यू जीरो करनी है, तो क्या कहा था कि इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दो, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई करते हो, तो क्या होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यानी कि आप पोलैरिटी इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए पहले इधर पहुँच रहे थे जिनकी एनर्जी अलग अलग थी, अब जैसे पोटेंशियल को आप नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते हो या पोलैरिटी को रिवर्स करते हो और इंक्रीज करना चालू करते हो, तो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे प्लेट की ओर, या कहा था सिंपल फील्ड होगी ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा ई इंटू ई का इधर, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इधर आना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे एक ऐसी पोटेंशियल की वैल्यू आएगी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या होता है इस प्लेट पे पहुंचने से जस्ट पहले वापस आ जाता है, तो यानी कि सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, या सिंपल बोल दीजिए कलेक्टर प्लेट पे कोई करंट नहीं पहुंचा, तो वहां पर करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। उस कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ तक तो अपने डिस्कस कर लिया था, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने को ग्राफ बनाने। अब यहाँ पर देखते हैं एक और चीज़ कि ये चीज़ तो आपके पास कांस्टेंट है ना, तो जैसे जैसे आप फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, फोटोन की फ्रीक्वेंसी, तो फिक्स है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी केवल किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ध्यान रखें, है ना, किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे अपने इंटेंसिटी भी कहा था कि एक फैक्टर होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये आपके पास इंटेंसिटी होती है। तो यहाँ से अगर मान लो मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना चाहूँ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, इस चीज़ को ध्यान रखें, इनके भी ग्राफ बनेंगे आपके पास, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए, तो देखिए इस इक्वेशन को कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन से, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, सी मतलब इंटरसेप्ट, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट, आपके पास नेगेटिव है, तो यानी कि आपका जो इंटरसेप्ट है यानी कि फाई या एच एफ या एच सी बाय लेमडा नोट। ठीक है ना, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है सी बाय लेमडा, तो ये होगी वैल्यूज और आपका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेज फ्रिक्वेंसी का ग्राफ। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर स्लोप की बात करते हैं, तो स्लोप क्या है, एच, यानी कि कॉन्स्टेंट स्लोप आ रही है आपके पास, क्या रही है, कॉन्स्टेंट, यानी कि कोई भी मेटल हो आपके पास, अगर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाओगे तो आपके पास हमेशा स्लोप क्या होगी, कॉन्स्टेंट। जैसे मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग मेटल्स हैं, एक मेटल के लिए मैंने ये बनाया और एक मेटल के लिए ये ग्राफ बनाया, ठीक है, तो फिक्स है इसकी स्लोप और इसकी स्लोप क्या आएगी, सेम आएगी, यानी कि अगर ये थीटा वन है थीटा टू है तो थीटा वन बराबर क्या होगा, थीटा टू। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंस है सारे, अभी तीन चार ग्राफ और आएंगे अपने पास, अगर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाओगे तो आपके पास इस तरह से कोई ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब आगे देखो कि काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है, केवल ध्यान रखें फ्रीक्वेंसी का। ठीक, आप देखो इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल की और बात करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए ग्राफ बनाते हैं और इंटेंसिटी का ग्राफ बनाते हैं। देखो अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है आपके पास, ठीक है, मान लो आपके पास इंटेंसिटी वर्सेस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फोटो करंट बोल दीजिए, फोटो करंट, इसका ग्राफ बनाएं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर देते हैं, मान लीजिए आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, तो ध्यान रखना जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी आपके पास, जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या कहते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ध्यान रखना जो इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, सॉरी फोटो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटेंसिटी के, जैसे जैसे आपके पास इंटेंसिटी बढ़ेगी उसी तरह से आपका फोटो करंट बढ़ेगा, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है आपके पास, ध्यान रखना कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी आपके पास फोटो करंट बढ़ेगा कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ये तो हो गया अपने पास पहला ग्राफ, दूसरे ग्राफ पे आते हैं, आपकी इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं। देखो के ई मैक्स बराबर था आपके पास एच एफ माइनस फाइव, ठीक है, और के ई मैक्स की वैल्यू देखो, क्या कहा था अपन ने कि जो पोटेंशियल की वैल्यू एक ऐसी आएगी जब अपने पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी अगर कलेक्टर प्लेट पर नहीं पहुँच रहा तो क्या होता आपके पास करंट जीरो, यानी कि जो एनर्जी आप अप्लाई कर रहे थे, ठीक है ना, किसके अक्रॉस, इस प्लेट के अक्रॉस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन था इस तरीके से, अगर इसकी एनर्जी, ठीक है, और के मैक्स इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल की एक ऐसी वैल्यू है कि जब आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी इस प्लेट पे पहुँचने से पहले जस्ट रिटर्न हो गया, मीन्स जो आपके पास या आपके यहाँ पर यहाँ से बैटरी से जो एनर्जी दे रहे हो उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, के ई मैक्स के बराबर होगी, ठीक है ना, तो आप क्या कह सकते हो जो के ई मैक्स है यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, ई इंटू वी एस, जहाँ पे वी एस क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आपके पास पोटेंशियल है तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, याद होगा आपको क्यू इंटू वी से,
ठीक है ना। तो क्यू इंटू वी की मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ए इंटू वी एस, तो के ई मैक्स किसके बराबर हो जाएगा ए इंटू वी एस के। तो आपकी इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें तो वी एस बराबर एच एफ माइनस फाई, तो यहाँ से वी एस बराबर आ गया एच एफ माइनस फाई अपॉन ई, माइनस फाई अपॉन ई अपॉन ये, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है उसी तरह से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, केवल फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएं, मान लीजिए आपके पास वी एस और ये क्या है एफ फ्रीक्वेंसी, तो यानी कि वापस कंपेयर करें वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो यानी कि सी की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पर माइनस का फाई अपॉन ई, ठीक है, यानी कि इंटरसेप्ट होगा आपका नेगेटिव और जो ग्राफ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास दो हैं इस तरीके से, ठीक है, दो ग्राफ दे रखे, तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप वापस क्या आएगी बराबर आएगी, लेकिन जो इसका स्लोप है m, वो m किसके बराबर होगा h अपॉन e के बराबर होगा वापस, यानी कि इसकी स्लोप यानी कि कोई सा भी मेटल हो, ठीक है ना, कोई सा भी मेटल हो आपके पास फिक्स है, अगर आप फ्रिक्वेंसी वर्सेज स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ बनाते हैं तो ये लाइन्स कैसे रहेंगी, पैरेलल रहेंगे हमेशा ही, चाहे मेटल वन मेटल टू। अगर मान लीजिए दोनों के वर्क फंक्शन की बात करूँ तो आप कह सकते हो डायरेक्टली कि जैसे मान लीजिए फाइव वन के कोरस्पॉन्डिंग है फाइव टू के कोरस्पॉन्डिंग है, अब आपको इसकी वैल्यू फाइव वन अपॉन ई और इसकी वैल्यू कितनी है टोटल यहाँ से यहाँ तक फाइव टू अपॉन ई, तो आप क्या कहोगे फाइव टू ग्रेटर देन क्या होगा फाइव वन, यानी कि सेकेंड मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। तो ध्यान रखना फ्रिक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वापस किसका फंक्शन है फ्रीक्वेंसी का, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है क्या। अब एक दो ग्राफ और देख लेते हैं इसके, है ना, सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट है, सभी का रिजल्ट आपको कंक्लूजन याद होना चाहिए। मान लो इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ जो स्टार्टिंग में अपन ने बनाया था, ठीक है, या और इस बार बनाते अपन फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ, ठीक। तो जीरो पोटेंशियल पे भी आपको कोई ना कोई फोटो करंट मिल रहा था, जैसे जैसे आपने पोटेंशियल बढ़ाया था फोटो करंट की वैल्यू बढ़ती रही और धीरे धीरे इंक्रीज होती आगे जाके कांस्टेंट होगी। और जीरो करंट कहाँ मिला था आपको, जब आपने पोटेंशियल को नेगेटिव साइड बढ़ाया था और नेगेटिव साइड बढ़ाते बढ़ाते जो पोटेंशियल आया था उसको क्या कहा था अपने स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया किस किस के बीच में आई वर्सेस पोटेंशियल बी, कीपिंग फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट, फ्रिक्वेंसी को क्या रखा आपने कॉन्स्टेंट रखा हुआ, ध्यान रखना फ्रिक्वेंसी क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट, और जो आप ग्राफ बना रहे हो यानी कि फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल, ठीक है। तो ये करंट है मैक्सिमम करंट, इसको कहते हैं सेचुरेशन करंट, ठीक। अब मान लीजिए आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हो कीपिंग फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट, ठीक, ये किसी ना किसी इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है ग्राफ है, ठीक, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कॉन्स्टेंट रखी अपने। अब देखो कि क्या होगा, मान लो आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हो, तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो अभी कहा था जो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे मतलब फोटो करंट बढ़ेगा। अगर अभी आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और आप दो अलग अलग इंटेंसिटी पर, दो अलग अलग इंटेंसिटी पर फोटो करंट वर्सेज पोटेंशियल ग्राफ बनाओगे तो आपका जो ग्राफ है इस तरीके से, मान लीजिए आपने क्या किया फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो केवल किसका कोफिशियंट है या किस पे डिपेंड करता है, केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपके पास दो अलग अलग इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी को आप वेरी नहीं करते, तो आपके पास मान लीजिए दो करंट के ग्राफ, इसकी इंटेंसिटी I1 और इसकी इंटेंसिटी I2 है, तो आप साफ कह दोगे I1 ज़्यादा होगा किससे I2 से, क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो आपके पास फोटो करंट ज़्यादा होगा, ठीक। अब मान लीजिए आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ बनाते हैं कि आपके पास इस बार इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं, इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया आपके पास, फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं, तो आपके पास आई वर्सेस वी, ठीक है, आई वर्सेस वी यानी कि पोटेंशियल या फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख देते हैं वी एस, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी लिख दो, ठीक है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर ग्राफ बनाया था किस किसके बीच में आई वर्सेस वी के लिए, और किसको कांस्टेंट रखा था इंटेंसिटी को कांस्टेंट, सॉरी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाया था। अब मान लो आप इस बार इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर देते हो और फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हो, किसको वेरी कर देते हो फ्रीक्वेंसी को, यानी कि आई वर्सेस एफ यानी कि इंटेंसिटी, सॉरी फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, मान लो किसी भी फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा इसे आपके पास, ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा स्टार्टिंग का वो तो ये रहेगा। अब
मान लो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, अब मान लो आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो लीनियर फंक्शन था फ्रीक्वेंसी का। दूसरी चीज, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे मीन्स इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपको जो रिवर्स में पोटेंशियल लगा रहे थे अब उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी, ताकि वो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की थी वो पहले से ज़्यादा होगी, तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो इसका मतलब आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बढ़ेगी ठीक है ना। तो यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो आपके पास फिक्स स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, और इंटेंसिटी कांस्टेंट तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाएगा ठीक है ना। करंट की वैल्यू क्या है, सेम है आपके पास इस तरीके से ठीक है ना। मान लो आप फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो ठीक है, इस तरीके से, सॉरी तीनों पॉइंट यहाँ मिलेंगे आपके पास ऐसे, क्योंकि जो करंट है आपके पास ध्यान रखना केवल किसका फंक्शन होता है, इंटेंसिटी का फंक्शन होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है आपके पास ठीक है, यानी सॉरी ये Vs, तो ये मान लीजिए फ्रीक्वेंसी F1, F2 और F3, तो आपको क्या होगा F3 ग्रेटर देन होगा F2 ग्रेटर देन होगा F1 ठीक है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन होता है, फ्रीक्वेंसी का। जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी आपको रिवर्स में जो पोटेंशियल लगा रहे थे अब उसकी वैल्यू को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जैसे आप मान लीजिए फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं, तो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी को वेरी करो, तो फ्रीक्वेंसी मान लो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग ये ग्राफ है, इंटेंसिटी आपकी कांस्टेंट है, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, तो आपके पास मान लीजिए अगर कोई फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ये इस तरीके से, मान लो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा तो इस तरीके से, पर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो ग्राफ है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि करंट किस पर डिपेंड करता है, केवल इंटेंसिटी पे ठीक है। इसके देखो तो ये ग्राफ ध्यान रखें, ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके हर ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं यहाँ से। जैसे एक सिंपल न्यूमेरिकल देखें अपन, कि मान लीजिए आपके पास दे रखा है, आया हुआ क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछ चुके इसको है ना, नीट में भी आ चुका है दो एक बार, पर अलग लैंग्वेज अलग कर देते हैं और कुछ नहीं है, कंसेप्ट वही रहते हैं। कि क्या कह रखा है, कि जैसे मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन होता है, केवल फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आया था कि मान लीजिए किसी फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी K1 है ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डबल कर दी यानी 2F कर दी, तो जो काइनेटिक एनर्जी है मान लीजिए K2, इसमें क्या चेंज आएगा, क्या ये डबल होगी या डबल से कम होगी, डबल से ज़्यादा होगी, या कोई चेंज नहीं आएगा। ये चीज़ कि किसी भी मेटल पर मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी का फोटोन आपने गिराया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी K1 मिलती है, अगर आप उस फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हो तो जो नई काइनेटिक एनर्जी उस पर क्या इफेक्ट आएगा ये बताना है। तो आप जानते हो इक्वेशन क्या होती है काइनेटिक एनर्जी की, के ई मैक्स इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव, फाइव तो क्या वर्क फंक्शन ये कॉन्स्टेंट रहेगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी, K1 लिखी, एच एफ माइनस फाइव, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एच एफ बराबर फाइव प्लस K1 ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो इक्वेशन हो जाएगी टू एच एफ बराबर फाइव, तो अभी भी सेम रहेगा, प्लस K2 ठीक है। अगर मैं दोनों को सबट्रैक्ट करूं तो क्या हो जाएगा, यहां से इसमें से को सबट्रैक्ट करो तो आपके पास एच एफ बराबर फाइव से फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फाइव K2 माइनस K1, तो K2 की वैल्यू आ गई K1 प्लस एच एफ, यानी कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है फ्रीक्वेंसी को डबल करने के बाद इंक्रीज तो हो रही है, इंक्रीज यानी कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उससे ज़्यादा तो है, पर कितनी ज़्यादा है, तो सपोज करिए मैं यहाँ से किसी भी इक्वेशन एच एफ की वैल्यू निकाल लूँ, एच एफ की वैल्यू क्या है आपके पास के इंटू एफ, तो यानी कि के टू की वैल्यू हो गई आपके पास के वन प्लस एच एफ, कितना आपके पास यहाँ से एच एफ की वैल्यू फाइव प्लस के वन, फाइव प्लस के वन, तो के टू हो गया आपके पास टू टाइम्स ऑफ के वन प्लस फाइव, और फाइव भी क्या होती है एनर्जी होती है, यानी कि अगर जैसे ही आपने फ्रिक्वेंसी बढ़ाई तो जो काइनेटिक एनर्जी है पुरानी काइनेटिक एनर्जी की डबल तो होगी प्लस कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी और आ रही है, यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी आपके पास मोर देन डबल, मोर देन डबल। तो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं आपके पास ध्यान रखना फोटो इलेक्ट्रिक से, तो अभी तो जो ग्राफ बनाए थे उन ग्राफ को अगर समझ नहीं आते दोबारा देखें कि किस किस को कॉन्स्टेंट रखा था और कैसे बढ़ाने से क्या होता है,
है ना। और ये इक्वेशन आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इससे क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेटिव पार्ट में आता बहुत कम आता है क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है इनकी। तो जितना ज़्यादा होगी कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है इन इक्वेशंस का या ग्राफ का, तो आपको इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू, है ना।